अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैप्टर 5 में जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शन का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो है वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। इससे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारी इंस्ट्रक्शन देख चुके हैं, उनमें क्या क्या टाइप्स थी वो भी देख चुके हैं, कैसे प्रोसेस होती हैं एग्जाम्पल्स में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में अर्ली 8-bit माइक्रोप्रोसेसर कुड नॉट मल्टीप्लाई डिवाइड विदाउट द यूज ऑफ प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई टू डिवाइड बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ शिफ्ट एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैन्युफैक्चरर्स वर अवेयर ऑफ दिस इनएडिक्वेसी, दे इनकॉर्पोरेटेड मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इनटू द इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ न्यूअर माइक्रोप्रोसेसर्स। पेंटियम 2 से लेकर कोर 2 तक स्पेशल सर्किटरी जो है एक बनाई गई जिससे मल्टीप्लीकेशन की जाती थी इन एज फ्यू एज 1 क्लॉकिंग पीरियड, ओवर 40 क्लॉकिंग पीरियड्स इन अर्लियर प्रोसेसर्स। तो 8 बिट मल्टीप्लिकेशन आई विद 8 बिट मल्टीप्लिकेशन द मल्टीप्लिकेंड इज ऑलवेज इन द एएल रजिस्टर साइंड और अनसाइंड। मल्टीप्लायर कैन बी एन एनी 8 बिट रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। इमीडिएट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अलाउड अनलेस द स्पेशल साइंड इमीडिएट मल्टीप्लिकेशन instruction appears in a program. The multiplication instruction contains one operand because it always multiplies the operand times the contents of a register AL. Multiplication में जो है और क्या क्या आपके पास characteristics हैं वो हम लोग देख रहे हैं। Performed on bytes, words or double words, can be signed IMUL or unsigned MUL. अगर signed जो है कंटेंट होगा, जो नंबर्ड होंगे, जो हमने साइंड इंटीजर्स पढ़े हैं आपके जो चैप्टर 1 है उसमें भी ये कहीं पे कॉन्सेप्ट आया था साइंड का। इसी तरह आप उसमें देख चुके हैं, डीएलडी में भी पढ़ चुके हैं साइंड अनसाइंड नंबर्स, तो ये वही चीज़ है। तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती है, IMUL साइंड के लिए है, MUL अनसाइंड के लिए है। प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज अ डबल विथ प्रोडक्ट। 2 8-bit numbers multiply generate a 16-bit product, 2 16-bit numbers generate a 32-bit, 2 32-bit numbers generate a 64-bit. In 64-bit mode of Pentium 4, 2 64-bit numbers are multiplied to generate a 128-bit product. 16-bit multiplication mein kya hai, word multiplication is very similar to byte multiplication. AX contains a multiplicand instead of AL. 32-bit appears in DXAX instead of AX. The DX register always contains the most significant bits of the products. इसमें अब ये चीज है कि अगर आपने मल्टीप्लाई किया है 16 बिट के नंबर को आपस में, तो जाहिर बात है कि वो 32 बिट की हमने पहले बात की कि वो मल्टीप्लीकेशन का आंसर रिजल्ट देगा। तो 32 बिट का जो रिजल्ट है वो फिर सेव होगा हमेशा DXAX में। मतलब AX तो डेस्टिनेशन तो वहाँ तो होना ही होना था, लेकिन हम उसके साथ फिर DX यूज करेंगे ताकि वो पूरा 32 बिट वहाँ सेव हो जाए। और हमेशा जो DX रजिस्टर है 16 बिट का, वहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट 16 बिट होंगे और लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो AX में होंगे। मोस्ट सिग्निफिकेंट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स का जो है मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ये चीजें पहले पढ़ के आ चुके हैं। एज विद 8-bit मल्टीप्लीकेशन द चॉइस ऑफ द मल्टीप्लायर इज अप टू द प्रोग्रामर। स्पेशल इमीडिएट 16 बिट मल्टीप्लीकेशन है, ये 80186 से कोर 2 तक जाती है। कैन यूज अ स्पेशल वेरिएंट ऑफ द मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन। इमीडिएट मल्टीप्लीकेशन मस्ट बी साइंड। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज डिफरेंट बिकॉज इट कंटेन्स 3 ऑपरेंड्स। फर्स्ट ऑपरेंड इज 16 बिट डेस्टिनेशन रजिस्टर, द सेकंड अ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन विद 16 बिट मल्टीप्लीकेंड, द थर्ड 8A और 16 बिट इमीडिएट डाटा यूज्ड एज द मल्टीप्लायर। इसी तरह हमारे पास 32 बिट मल्टीप्लीकेशन होगी 80386 एंड अबव। 32 बिट मल्टीप्लीकेशन इज अलाउड बिकॉज़ दीस माइक्रोप्रोसेसर कंटेन 32 बिट रजिस्टर्स, कैन बी साइंड और अनसाइंड बाय यूजिंग IMUL MUL।
इसमें आ जाएगा आपके पास EAX, क्योंकि वो से 32 bit सपोर्ट करता है रजिस्टर जो है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये EAX32 है, RAX64 है, इसी तरह जो है 16 bit वाले AX हैं और 8 bit वाले ALAH, BLBH, CLCH और DLDH. The 64-bit product is found in EDX, EAX, where EAX contains the least significant 32 bits of the product. 64-bit multiplication होगी, Pentium 4 appears in the RDX colon RAX register pair as a 128-bit product. Although multiplication of the size is relatively rare, the Pentium 4 and Core 2 can perform it on both signed and unsigned numbers. इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 5-13 है, शो द शॉर्ट प्रोग्राम दैट जनरेट DX इज इक्वल टू BL मल्टीप्लाई बाय CL. दिस एग्जाम्पल लोड्स रजिस्टर BL एंड CL विद एग्जाम्पल डाटा 5 एंड 10. द प्रोडक्ट 50 मूव्स इनटू DX एंड AX आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग मूव DX AX इंस्ट्रक्शन. हमने इसमें इंस्ट्रक्शन में वन बाय वन देखते हैं कैसे यूज किए. मैं इसके लिए बुक एग्जाम्पल की जो है वो देख जो है शेयर कर लेता हूँ. ये आपकी 5-13 एग्जाम्पल है. जैसे कि हमने पढ़ा द शॉर्ट प्रोग्राम है जो जनरेट कर रहा है DX इज इक्वल टू BL इनटू CL. दिस एग्जाम्पल लोड्स रजिस्टर BL एंड CL विद एग्जाम्पल डाटा 5 एंड 10. अब ये दोनों 8 बिट के रजिस्टर है, तो इनका जो रिजल्ट है वो 16 बिट में आएगा. द प्रोडक्ट 50 मूव्स इनटू DX फ्रॉम AX आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग द मूव DAX AX इंस्ट्रक्शन. अच्छा, हुआ क्या है कि पहला हमने जो कोड है लाइन कोड उसमें देखते हैं क्या है. पहला इंस्ट्रक्शन है मूव BL, 5, लोड हो गया डाटा BL के अंदर 5, इमीडिएट डाटा डायरेक्टली हमने डाल दिया. फिर मूव CL के अंदर कॉमा 10 डाटा इमीडिएटली डाल दिया, ये भी लोड हो गया. फिर मूव AL कॉमा CL, अब CL के अंदर क्या था 10 था, वो चला गया AL में. अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है. असल में मल्टीप्लाई में हमेशा AL रजिस्टर ही मल्टीप्लिकेंट होगा, तो इसलिए हमने AL के अंदर CL से डाटा डाला है. तो AL के अंदर 10 चला गया, BL के अंदर 5 है. BL की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी AL को BL से और 50 का आंसर देगी. फिर हमने क्या किया है कि वो जो आंसर है वो भी AL में ही सेव होगा. फिर हमने AX को जो पूरा एक 16 बिट बन चुका था वो हमने DX में कॉपी करा दिया. For signed multiplication, the product is binary form, is in binary form if positive and in two complete complement form if negative. These are the same forms used to store all positive and negative signed numbers. If the program example 5-35 multiplies two signed numbers, only the MUL instruction is changed to IMUL. अगर ये signed numbers होते -10 या वगैरह तो IMUL हम लोग MUL की जगह use करते. इसी तरह 16-bit की multiplication है. अच्छा, ये 16 बिट की मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन की आप एग्जांपल वो देख रहे हैं टेबल में. एग्जांपल्स MUL CX, AX इज मल्टीप्लाइड बाय CX, द अनसाइंड प्रोडक्ट इज इन DX. अब मल आप ये देखें कि सिर्फ इसमें जो इंस्ट्रक्शन है आपके पास उसमें सिर्फ एक ही रजिस्टर यूज होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली AX के अंदर जो डाटा उसको मल्टीप्लाइड कर देता है उस रजिस्टर से. और जो उस अनसाइंड या अगर आप कहते हैं कि साइंड IMUL में प्रोडक्ट है, वो अगर रजिस्टर 16 बिट का है वो 32 बिट के DX AX में चला जाता है. इसी तरह हम IMUL DI यूज कर रहे हैं तो AX में जो डाटा वो मल्टीप्लाइड होगा DI से और साइन प्रोडक्ट जो है वो DX AX में चला जाएगा. MUL वर्ड यूज हो रही है स्क्वायर ब्रैकेट में, ऐसा ही है. AX इज मल्टीप्लाइड बाय द वर्ड कंटेंट्स ऑफ द डाटा सेगमेंट मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय SI. ये हमने जो एड्रेस की लोकेशन डाटा सेगमेंट की है ये उससे मल्टीप्लाई होगा और फिर DX AX में चला जाएगा. ठीक है, तो वर्ड जो है WORD वो आपका सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो है उसके साथ जो कंटेंट हमने लिया है उसमें चला जाएगा. तो इसका मतलब ये था कि ये भी जो है 16 बिट का रजिस्टर था और हमने, क्योंकि वर्ड 16 बिट का होता है, बाइट 8 बिट, वर्ड 16 बिट और डबल वर्ड 32 बिट.
32 बिट की एग्जांपल में कोई फर्क नहीं होगा, सिर्फ ई आ जाएगा। इसी तरह 64 बिट की एग्जांपल में कोई फर्क नहीं होगा, आर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन है, यही इसी बुक से ही हम लोग देख लेते हैं इसको। एज विद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अकर्स ऑन 8 और 16 बिट नंबर 8086 टू 80826 एंड ऑन 32 बिट नंबर 80386 टू अबव माइक्रोप्रोसेसर। हमने ज्यादातर देखा है जो 32 बिट या 64 बिट वाले इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर्स हैं वो हमेशा प्रोसेस होते हैं 80386 से लेकर 42 या उससे ऊपर जितने भी हैं, और उससे नीचे 8086 80286 8 और 16 बिट में यूज हो रहे हैं। दीज नंबर आर साइंड आई डिव और अनसाइंड डिव। डिवीजन में डी आई वी की इंस्ट्रक्शन नेम है और आई डिव अनसाइंड इंटीजर्स के लिए। द डिविट dividend is always a double bit dividend that is divided by the operand. This means that an 8 bit dividend divides a 16 bit number by an 8 bit number, a 16 bit dividend divides a 32 bit number by a 16 bit number, and a 32 bit dividend divides a 64 bit number by a 32 bit number. There is no immediate dividend instruction available to any microprocessor. In the 64 bit mode of the Pentium 4 encoder, 64 bit dividend divides the 128 bit number by a 64 bit number. अच्छा, इसमें 8 bit dividend में एक example देख लेते हैं। And 8 bit dividend uses the AX register to store the dividend that is divided by the contents of any 8 bit register or memory location. The quotient moves into AL after the dividend with AH containing a whole number remainder. For a signed division, the quotient is positive or negative. The remainder always assumes the sign of the dividend and is always an integer. For example, if AX is equal to plus 16 and BL is equal to minus 3, and the IDIV BL instruction execute AX is equal to 01FBH, this represent a quotient of minus 5 with a remainder of 1. क्योंकि plus 16 था तो हमने minus 3 से उसको divide किया है, तो 3 5 था 15, 5 उसका quotient बनेगा जो AL में जाएगा और remainder उसका बचेगा 1 जो जाएगा आपके पास AH में। If on the other hand a minus 16 is divided by plus 3, the result will be quotient of minus 5 with a remainder of minus 1. Table 5-12 is some of the 8-bit division instructions. Table देखते हैं division की instruction कैसे perform करेगी। आप अगर देखते हैं कि DIV उसके साथ register लिखा हुआ है CL, इस instruction में signed integer तो है नहीं, number integer है क्योंकि हमने DIV use किया, तो CL के अंदर जो भी data है वो divide हो जाएगा directly AX, जैसे उसमें AX के साथ multiply होता था AX की data से divide हो जाएगा, मतलब AX is divided by CL. CL जो है यहाँ पे dividend है, div CL, CL यहाँ पे dividend है। तो unsigned quotient is in AL, quotient जिससे हमने ये जो है divisor है, CL जो है वो divisor है, AX जो है वो dividend है। तो unsigned quotient जो है वो quotient जो आपका जिससे आप multiply करेंगे CL को वो चला जाएगा AL में, और जो रिमाइंडर बचेगा वो AH में चला जाएगा। और इसी तरह IDIV BL AX is divided by BL, the signed quotient in AL and the signed remainder in AH. इसी तरह DIV byte AX is divided by byte contents of the stack segment memory location address by BP, the unsigned quotient is in AL and the unsigned remainder in AH. एक एग्जांपल है उसकी, ये देखते हैं। A short program that divides the unsigned byte contents of memory location NUMB by the unsigned contents of memory location NUMB1. Here the quotient is stored in location ANSQ and the remainder is stored in location ANSR. ये दोनों location जो है वो symbol locations हैं, memory locations. अच्छा, हम लोग program देखते हैं। First line of code है move AL comma num NUMB, कोई भी memory location से data उठा के AL में डाल दिया, और उसके बाद मूव ए एच कॉमा जीरो और ए एच में जीरो कर दिया। इसी तरह फिर हमने लिखा है डी आई वी नम वन। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास नम वन जो है वो एक
डिवाइजर बनाया है और वो चल डिवाइड करेगा, डिवाइडेड डिवाइड बाय नम वन, तो जो आंसर आएगा वो एक तो जो आपके पास है ए एल और ए एच, ए एच में क्या जाएगा हमेशा रिमाइंडर और ए एल में जाएगा क्वेश्चन। तो हमने डिवाइड क्या किया है, जैसे हमने टेबल में देखा था अगर रजिस्टर जो आपके पास गिवन है या यहाँ पे हमने डायरेक्ट एक मेमोरी लोकेशन का नाम लिख दिया है तो वो जो है डिवाइड करेगा ए एक्स के कंटेंट्स को, ठीक है। तो हमारे पास ए एक्स के कंटेंट हमें नहीं पता एन यू एम बी मेमोरी लोकेशन में क्या पड़ा हुआ था और ए एच में जीरो पड़ा हुआ है, तो लोअर बाइट मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही बाइट में डाटा है, दूसरी बाइट में डाटा जीरो है, तो 8 बिट का डाटा है। तो जैसे ही हमने डिव नम वन से उसको डिवाइड किया है तो हमने क्या किया है कि नम को डिवाइड किया नम वन से, और फिर जो आंसर आया होगा वो हमने जो है एक कमांड यूज सॉरी एक यूज किया ए एन एस क्यू, कोई भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है हमने ए एल का डाटा ए एन एस क्यू में डाल दिया है जो कि आपका क्वेश्चन है, और ए एच जो आपका रिमाइंडर है उसका डाटा एन एस आर में डाल दिया। अच्छा हमारे पास एक यहाँ पे बात जो समझने वाली है कि हमने हमेशा डिव की इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, ए एक्स के रजिस्टर के अंदर जो 16 बिट है उसको डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ए एक्स का रजिस्टर यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो उसके लिए हमें ए एल और ए एच के अंदर दोनों में डाटा चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक्सटेंड कर दिया जीरो जीरो से ए एच को, और नम जो है वो 8 बिट का डाटा था किसी मेमोरी लोकेशन का, तो इसलिए ए एच को हमने जीरो कर दिया क्योंकि हमारे पास 16 बिट का डाटा नहीं आया था क्योंकि हमारे पास मेमोरी लोकेशन 8 बिट का स्लॉट था, तो इसलिए हमने ए एच को जीरो से एक्सटेंड किया तो वो 16 बिट का डाटा बन जाता है। और 16 बिट का डाटा जब बना है तो फिर हमने डिव की कमांड यूज की है और उसको डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो आपका जो डिवाइजर है वो हमेशा छोटा होगा और डिविडेंड बड़ा होगा, मतलब जो डिवाइड हो रहा है ए एक्स रजिस्टर। इसी तरह 16 बिट डिवीजन है हमारे पास, यहाँ पे देखते हैं 16 बिट नंबर इज सिमिलर टू 8 बिट डिवीजन एक्सेप्ट देन स्टार्ट टू डिवाइडिंग इनटू ax द 16 बिट नंबर इज डिवाइडेड इनटू dx ax। यहाँ पे फिर वही बात है, जब 16 बिट डिवीजन होगी वहां पे हमने ax डिवाइड हो रहा तो यहाँ पे dx ax डिवाइड होगा, ठीक है। द क्वेश्चन अपीयर्स इन ax एंड द रिमाइंडर अपीयर्स इन dx आफ्टर 16 बिट डिवीजन। तो इसमें देखते हैं मूव ax कॉमा -100, हमने 100 से लोड कर दिया, और मूव cx कॉमा 9, cx को हमने 9 से लोड कर दिया, और हमने एक और इंस्ट्रक्शन यूज की यहाँ पे cwd साइन एक्सटेंड की इंस्ट्रक्शन है, कन्वर्ट वर्ड टू डबल वर्ड। तो ये क्या करती है हम इसको देख लेते हैं, इफ ax इज 16 बिट साइन नंबर द cwd इंस्ट्रक्शन साइन एक्सटेंड इट इनटू 32 बिट नंबर, इफ द 8038 सेकंड अबव इज अवेलेबल द मूव sx इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू साइन एक्सटेंड नंबर। तो हमने cwd की जो यहां पे इंस्ट्रक्शन है वो ax को बढ़ाने के लिए यूज की है, तो ax जो है वो 32 बिट नंबर बन जाएगा, -100 जो है वो साइन एक्सटेंड कर दिया उसने इसका। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से, एग्जांपल 5-5 शोस द डिवीजन ऑफ टू 16 बिट नंबर्स, हियर -100 इन ax डिवाइडेड बाय +9 इन cx, द cwd इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट द -100 इन ax टू -100 dx ax। -100 हमने पहले मूव तो कराया लेकिन cwd ने क्या किया उस पूरे नंबर को dx ax पे डाल दिया, अब उसने उसमें साइन एक्सटेंड किया, शुरू में जीरो लगा दिया होगा जहां पे बिट्स कम हो रहे होंगे, और ये हमने डिवीजन की इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले उससे पहले किया है, क्योंकि हमें डिवीजन में हमेशा जो डिविडेंड है उसका बिट साइज जो है वो डिवाइजर से डबल चाहिए। अब डिवाइजर हमारे पास यहाँ पे सी एक्स है जिसके अंदर 9, आफ्टर डिवीजन द रिजल्ट अपीयर इन डी एक्स ए एक्स एज क्वोशंट ऑफ -11 इन ए एक्स
और इसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो डीएक्स और एएक्स में जाएगा, 16 16 बिट में। पोर्शन जो है 11 एएक्स में जाएगा और रिमाइंडर 1 जो है वो डीएक्स में जाएगा। आप जब 9 से डिवाइड करेंगे 100 को, 9 11 से 99 होगा, तो माइनस 11 उसका कोशेंट और माइनस 1 उसका अब बस यहाँ पे रिमाइंडर होगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल है वो 16 बिट इंस्ट्रक्शंस को बता रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है div cx, तो इसका मतलब है dx ax is divided by cx, i div si, इसका मतलब है कि dx ax is divided by si, और इसके बाद div num dx ax is divided by the word content of data segment memory num, the unsigned quotient in ax and the unsigned remainder in dx। जिस मैंने एग्जांपल को हाईलाइट किया सिर्फ वो इंक्लूड है, ये आगे वाली इंक्लूड नहीं की हुई मैंने, आप इसको रहने दीजिएगा। 5-17 भी नहीं की हुई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस हमारी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन से है। मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के नहीं। मैंने स्लाइड्स में तो इंक्लूड नहीं कहीं की, लेकिन बुक में मैं देख लेता हूँ कि इसको चलें आपका पार्ट बना देंगे, असाइनमेंट का पार्ट बना देंगे। इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट हम बस डायरेक्टली लॉजिक इंस्ट्रक्शंस पे चले जाएंगे। अच्छा, हमारे पास आज हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को देखा है, दोनों का ओवरव्यू कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में हमने क्या किया था कि हम लोग डायरेक्टली MUL या IMUL फॉर साइंड फॉर अनसाइंड और साइंड इंटीजर्स हम लोग यूज कर रहे थे। मल्टीप्लाई का कोई टेबल निकाल लेते हैं, या फिर ये टेबल है, तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग रजिस्टर को मल्टीप्लाई करते थे AX से, और उसका डाटा चला जाता था अगर 16 बिट का है तो DX और AX में, और अगर वो आपके पास 8 बिट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो AX की AH और AL में डाटा जाता था, और IMUL अगर अनसाइंड है तो हम IMUL यूज कर रहे थे। ये देखिए, अब अगर 8 बिट प्रोडक्ट है तो हम लोग उसको ही यूज कर रहे थे AL और AH को प्रोडक्ट के लिए, मतलब पूरा AL और CL अगर मल्टीप्लाई हुए हैं हमेशा जो है वो AL से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी रजिस्टर है या कोई भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। तो हमने इसी तरह अगर हम लोग डिवीजन थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें हमने जब मल्टीप्लिकेशन देखी तो अगर हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं डिवीजन की CL 8 बिट के रजिस्टर पे, तो उसमें क्या होता है कि जो CL है उसमें जो कॉन्टेंट है वो डिवाइजर है उस कॉन्टेंट का जो AX में पड़ा हुआ है। अब हमेशा ये क्या होगा कि हमेशा जो 8 बिट अगर हमने रजिस्टर यूज किया है तो वो डिवाइड करेगा हमेशा 16 बिट को, तो इसलिए AX is divided by CL, the unsigned quotient in AL and the unsigned remainder in AH, quotient और remainder AL और AH में जाएंगे। इसी तरह आप IDIV की इंस्ट्रक्शन भी 8 बिट पे लगा सकते हैं, 16 बिट अगर होगा तो उसका टेबल में हम देखते हैं कि हमेशा क्या होगा कि div अगर CX 16 बिट का रजिस्टर के साथ इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है तो जो आपका डिविडेंड होगा वो फिर 32 बिट का हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो DX AX में DX AX जो है वो डिवाइड होगा CX से, और कोशेंट और रिमाइंडर कहाँ जाएंगे, AX में कोशेंट और DX में रिमाइंडर जाएगा। ये बातें याद रखने वाली हैं कि डिवीजन के अंदर हमेशा जो डिविडेंड है वो डबल विड्थ का होगा,
मतलब अगर डेबिट के साथ आपके पास 16 बिट का रजिस्टर है तो हमेशा उसका जो आपके पास डिवाइजर होगा वो डिविडेंड होगा वो 32 बिट का होगा। इसी तरह अगर हम 32 बिट पे चले जाएं तो वो जो डिवाइजर है वो आपके पास 64 बिट का होगा, आर डी एक्स आर ए एक्स। आर ए एक्स के अंदर क्वेश्चन जाएगा फिर, और आर डी एक्स के अंदर रिमाइंडर। तो ये बातें इसमें इस लेक्चर में याद रखने वाली हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग लॉजिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपकी एंड और लॉजिक, निगेट, नॉट, टेस्ट, इस तरह की लॉजिक्स होंगी।